चीजों का प्रबंध होना चाहिए और वो भी भरपूर स्वादिष्ट। राम जानी रानी की क्या खाने की इच्छा हो जाए। अरे इतने दिनों बाद जो आया है ये दिन हमारी रानी के भाग्य मा। आवा रानी, आवा आवा, क्या खाएंगी आप? सच बताऊं तो अपने माता पिता और बच्चों के पास तो आ गई तो मेरी जीने की इच्छा तब तक वापस नहीं आएगी जब तक अपने स्वामी को नहीं मिल जाती। एक कहो बात बोले रानी। बोलो। राजा भीम द्वारा चारों दिशाओं में ब्राह्मणों और रसोइयों की टोली भेजी गई थी। हम भी गई थी उस टोली में इस रानी बनके। और वहाँ हमारी बहन एक घोड़े के बालक से हुई। क्या बोले हमें? अश्वपाल। हाँ हाँ वही। इतने में तो सामान्य देहाती ही था हमारी तरह, तो हमने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। परंतु जब वह अपने हाथ हिला हिला कर कुछ बोला और हमने अपने ई नेत्र खोल के देखा तो हमारा माथा ठनका और ध्यान आया कि ये तो वही है जैसा आप बोलती थी। क्या वो चौड़े कंधे वाला था? हाँ रानी चौड़े कंधे थे। क्या उसके बाल घने और घुंघराले थे? हाँ रानी हाँ हाँ। तो ये तो किसी के भी हो सकते हैं। क्या वो होते होते रुकते थे और आसमान की ओर देख कर फिर से बोलना आरंभ करते थे? हाँ रानी हाँ ऐसे ही बोलता था ऐसे ही। अवश्य राजा ना वही है। हाँ नकुला तुमने ये समाचार सुनाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। हमें किसी भी तरह उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। अब एक ही उपाय, तुम मन के गति के समान ये मुनादी करा दो कि राजकुमारी दमयंती अपना उत्तम वर चुनने के लिए एक बार फिर स्वयं पर रखे। क्या कहा? अति रूपवान कमल नयनी आज हमारी दमयंती का स्वयंवर और उसकी तिथि कल ही है। बढ़ो बढ़ो जी महाराज। वायु के वेग से भी तीव्र घोड़े चलाने वाले वीर आज तुम्हारी सही परीक्षा की घड़ी आ गई है। जैसी आज्ञा महाराज। किंतु हुआ क्या? धर पुत्री राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर है। हमें कैसे भी करके एक ही दिन में 400 कोस की दूरी तय करनी होगी। हमें निश्चित ही कल पहुंचना होगा। 400 कोस दूर? ये तो बहुत बड़ी चुनौती है महाराज। मैं कर तो लूंगा किंतु किंतु परंतु का समय नहीं है बाबू। मुझे पहुंचना ही होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं तो दूंगा ही बल्कि इससे भी बढ़कर उपहार दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। मैं एक ही दिन में रथ को विदर्भ पहुंचा दूंगा। परंतु आप मुझे आपकी द्वित क्रीड़ा के रथ यश का रहस्य अगर सिखा दे तो वह मेरे लिए स्वर्ण मुद्राओं से भी कीमती है। बाहुक इस समय हम तुम्हारी शरण में हैं। अगर तुम सूर्य रहते हमें विदर्भ नगर पहुंचा दोगे तो जो तुम कहोगे वही होगा। और अब हम भी उस पे प्रतिबंधी हैं। किंतु
इस समय तो हम केवल आपको प्रणाम करने और आपका हालचाल जानने चले आए राजन। फिर तो आप थके होंगे, विश्राम कीजिए, आपके लिए विश्राम कक्ष तैयार करा देते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारा पिता, आओ मेरे पास आओ।